पंजाब में आज से शुरू बहुकोणीय मुकाबला। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान होना है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जो 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस पार्टी का शासन है, लेकिन यह एक बहुकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस के अलावा आज के विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रमुख दलों में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस भी शामिल हैं। वहीं प्रमुख चेहरों की बात करें तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 59 विधानसभा सीटों पर भी आज रविवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2.15 करोड़ से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने वहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होने जा रहे हैं उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, इटावा, औरैया, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी और महोबा शामिल हैं। यहां मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।